नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप गुलेरिया, आपके अपने प्रॉपर्टी चैनल प्रणव रियल स्टेट से। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर आपके लिए एक नई वीडियो के साथ और एक नई प्रॉपर्टी पे। तो दोस्तों, आज हम जिस लोकेशन पे हैं और जिस प्रॉपर्टी पे हैं, तो लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 125 से आता है सनीन क्लेव, और बिल्कुल प्रॉपर्टी जो है एक बहुत ही शानदार इंडिपेंडेंट हाउस ये रहने वाला है। तो मैं अपने कलीग को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार एलिवेशन दिखाएंगे आपको। तो आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में एक शानदार लुक हम ये कह सकते हैं। टाइल्स वर्क देख सकते हैं आपको फ्रंट में, सारी ही कम्प्लीट जो घर पे आपको टाइल वर्क देखने को मिलेगा। तो बहुत ही शानदार एलिवेशन इसका रहने वाला है। और अगर मैं इसकी फ्रंट की बात करूं तो 27 फीट का इसका फ्रंट रहने वाला है और 50 फीट की इसकी डेप्थ रहने वाली है। तो काफ़ी एक अच्छा साइज, बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ 150 गज के साइज में 27x50 बहुत ही एक अच्छा साइज माना जाता है ये। और आइए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम अंदर घर को विजिट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोर्स की। ये आयरन गेट आपको मिलने वाला है, बिल्कुल आप ये देख सकते हैं वुडन कॉम्बिनेशन के साथ, वुडन डिज़ाइन आपको बीच में देखने को मिलेगा, ताकि आपका, आप एक सिमेट्रिक देख सकते हैं, काफ़ी मैचिंग कलर आपको ये मिल जाता है, क्योंकि बिकॉज जो टाइल वर्क है वो भी आपका सेम मिलने वाला है। आपका पिलर्स का जो कलर है वो भी आपका मैच करता हुआ, तो बिल्कुल एक अच्छा मैचिंग आपको बाहर इस घर में नज़र आता हुआ। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले घर में, जैसे एंटर करते हैं, पार्किंग की। तो पार्किंग का आप स्पेस देख सकते हैं, आप एक गाड़ी जो हैचबैक गाड़ी यहाँ पर ईजिली आपकी पार्क हो जाती है, सेडन गाड़ी भी आप पार्क कर सकते हैं। और इसके नीचे जो स्पेस आपको मिलने वाला है, आप ये देख सकते हैं कवर किया गया है, तो यहाँ पे अपना सिलेंडर या इन्वर्टर वगैरह यहाँ पे आप इजीली प्लेस कर सकते हैं। और इसी के साथ इस तरफ हम बात करें तो यहाँ पे भी हमारे जो टू व्हीलर वगैरह हैं वो इजीली यहाँ पे प्लेस हो जाते हैं, पार्क हो जाते हैं। और छोटा सा आपको ये मैं कह सकता हूँ प्लांटेशन के लिए आपको ये जगह मिल जाती है, तो यहाँ पर आप अपना गमले वगैरह प्ले प्लान कर सकते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले वेलकम वॉल की। तो वेलकम वॉल आप ये देख सकते हैं, वेलकम वॉल जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पे विद लाइट्स के साथ, तो रात को जो है इसका लाइट्स में ग्रेस और भी ज़्यादा आपको यहाँ पे निखर के आता है वेलकम वॉल में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मैश डोर की। तो मैश डोर आप ये देख सकते हैं विद ग्लास आपको यहाँ पे डिज़ाइनर साथ में, और मैश विंडो का जो मिक्स कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है आपके मैश डोर में। तो आइए हम बात कर एंट्री पे हमारे डोर की। तो आप ये डोर देख सकते हैं, 8 फीट का आपका डोर रहने वाला है, डिज़ाइनर डोर आपको मिलने वाला है, काफ़ी हैवी लुक में आपको ये डोर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग एरिया में भी अपने आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वॉल की, तो आप ये देख सकते हैं एक बहुत ही शानदार आपको वॉलपेपर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो खूबसूरत वॉलपेपर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको ड्राइंग डाइनिंग की वॉल पे आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ हम बात करें फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन में आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी शानदार फॉल सीलिंग आप ये देख रहे हैं, काफ़ी एक डिफरेंट डिज़ाइन में, यूनिक से डिज़ाइन में आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग मिल जाती है। फॉल सीलिंग आपने देखी, अब फॉल सीलिंग के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हम एल शेप विंडो की। तो आप ये देख सकते हैं ये एल शेप विंडो यहाँ पे आपकी अवेलेबल रहेगी, और इसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर आपको जो सनलाइट है और वेंटिलेशन है वो आपको घर के अंदर प्रॉपर रहेगी। और इसी के साथ हम बात करते हैं यहाँ पे अपना LED पैनल। तो आप ये देख सकते हैं ड्राइंग रूम, ड्राइंग डाइनिंग एरिया में जो LED पैनल है आप ये देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज में, ऑलमोस्ट फुल साइज आपको ये LED पैनल मिल जाता है। और बिल्कुल आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको जो एक डिज़ाइनर यहाँ पे बॉक्सेस से देख जाते हैं, यहाँ पे आपको लाइट्स के शेड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ड्रॉज आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे लुक में आपको LED पैनल यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग में भी अवेलेबल हो जाता है। और इसी के साथ हम बात करेंगे अपने ओपन मॉड्यूलर किचन की। तो ओपन मॉड्यूलर किचन आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे पार्टीशन की। तो आप ये पार्टीशन देख सकते हैं, आप लुक किसका देख सकते हैं,
बिल्कुल काफ़ी अच्छा ग्रेस इसका आता हुआ किचन में। पार्टीशन आप ये देख सकते हैं, लाइट वर्क आप देख सकते हैं, ये डिज़ाइन आप ये देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा इसका ग्रेस और भी अट्रैक्टिव इसको किचन को करता हुआ। तो ओपन मॉडल किचन हमारा इस तरह से रहने वाला है यहाँ पे, तो काफ़ी स्पेशियस आप ये देख सकते हैं। एल शेप में आपका मॉडल किचन रहेगा ये, और आप ये टाइल्स कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, मार्बल ग्रेनाइट मार्बल ब्लैक, और अब ये टाइल्स कॉम्बिनेशन टाइल हुआ किसका देख सकते हैं, बहुत ही डिसेंट कलर में आपको ये ओपन मॉडल किचन आपका मिलने वाला है। और अगर हम बात करें ड्रॉज की, तो ड्रॉज आपको जो है साइज आप ये देख सकते हैं, और अगर हम बात करें सिर्फ कैबिनेट्स की, तो कैबिनेट्स आपको जो है आप ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको कैबिनेट्स में भी मिल जाता है। और इसी तरह से इस तरफ अगर बात करें तो ये भी आपको कैबिनेट्स यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं, तो आपको किचन में स्पेस की कमी यहाँ पे नहीं होने वाली। देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रोविजन दिया गया है चिमनी का, तो चिमनी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, डक आपको यहाँ पे चिमनी का मिल जाता है। सिर्फ हम बात करें तो ये सिंक आपको यहाँ मिल जाता है, नॉइस फ्री सिंक आपको मिल जाता है, और जो फिटिंग्स है अभी अवेलेबल नहीं है, बट आपको ये सिंक मतलब जो फिटिंग्स है ये साथ में अवेलेबल रहेंगी, तो सारा फिटिंग्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और इस तरफ हम बात करें तो हमें ये फ्रेम मिल जाता है, तो यहाँ पे आप ग्लास और आपको मैश विंडो यहाँ मिल जाती है, ताकि प्रॉपर किचन में भी आपका जो लाइट है और आपकी वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर बनी रहे। और इसी के साथ मैं बात करूँगा किचन में फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग आप ये देख सकते हैं इस डिज़ाइन में आपको फॉल सीलिंग जो है एक शानदार लुक में आपको यहाँ पे किचन में भी देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी स्पेशियस मैं कहूँगा आपको किचन में भी आपको जगह मिल जाती है। और इस तरफ मैं बात करूँ यहाँ आपको गैस पाइपलाइन जो है बिल्कुल मिल जाती है। मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था आपको स्टेयर्स के नीचे जो एक स्पेस हमें मिलता है उसमें अपना गैस सिलेंडर और इन्वर्टर प्लेस कर सकते हैं, तो सेम गैस पाइपलाइन जो है यहाँ तक आपको मिल जाती है। तो आइए हम बात करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की। तो फर्स्ट बेडरूम आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे साइज में, डिसेंट साइज में आपको ये बेडरूम मिल जाता है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा स्पेस, एक मैं कहूँगा कि स्टैंडर्ड एक आपका बेड लगने के बाद भी आपका मूव करने के लिए काफ़ी आपको स्पेस मिल जाता है यहाँ पे। और इसी के साथ मैं बात करूँगा यहाँ पे अपना वॉलपेपर की, तो वॉलपेपर आप ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में आपको ये वॉलपेपर मिलने वाला है आपका। और फॉल सीलिंग आप ये देख सकते हैं एक अच्छे डिज़ाइन में आपको फॉल सीलिंग जो है एक खूबसूरत डिज़ाइन में आपको फॉल सीलिंग मिलने वाली है विद LED लाइट्स। और इस तरफ हम बात करें अलमीरा की, तो अलमीरा जो है आपको फॉल सीलिंग हाइट आपको अलमीरा मिलने वाली है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे अलमीरा मिल जाता है, तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस आपकी अलमीरा रहने वाली है। और ऊपर आपको सेम सीलिंग हाइट तक आपको ये आपको अलमीरा जो है वो मिलने वाली है। और इसी के साथ हम बात करें यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल, तो ये आप ये देख सकते हैं मिरर्स, और नीचे ही आपको ड्रॉज के प्रोविजन, तो आप ये देख सकते हैं ड्रॉज आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। और इसी के साथ हम बात करें यहाँ पे LED पैनल, तो आप ये देख सकते हैं एक अच्छे डिज़ाइन में आपको LED पैनल यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, और ड्रॉज का प्रोविजन भी यहाँ पे किया गया है। और हम इसके साथ ही बात कर रहे हैं अटैच वॉशरूम की, तो आप ये वॉशरूम का साइज देख सकते हैं काफ़ी अच्छा साइज, काफ़ी डिसेंट साइज आपका वॉशरूम में भी आपको मिलने वाला है। और टाइल्स आप देख सकते हैं इस हाइट तक आपकी टाइल जो है रहने वाली है, और जो बाथ फिटिंग्स हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, बट आपको ये कंप्लीट मिलेगा जब आप इस पे परचेज पे जाएंगे, तो बाथ फिटिंग जो है वो आपको सेरा की बाथ फिटिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है, और विद एंटीस्केट टाइल्स आपको फ्लोर पे भी नीचे अवेलेबल रहेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड बेडरूम में। सेकेंड बेडरूम में जाने से पहले हम बात करेंगे अपने वॉशिंग एरिया की, तो वॉशिंग एरिया आइए हम ले चलते हैं आपको, तो आप ये वॉशिंग एरिया का साइज देख सकते हैं, वॉशिंग एरिया का साइज आपको इस स्पेस में मिलने वाला है, तो काफ़ी डिसेंट स्पेस आपको वॉशिंग एरिया में भी मिल जाता है। और वॉशिंग एरिया की कनेक्टिविटी जो है बोथ साइड से रहने वाली है, दोनों रूम से रहने वाली है, आपकी फर्स्ट रूम से भी रहने वाली है, सेकेंड रूम से भी आपको कनेक्टिविटी इसकी आपको मिलने वाली है। चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ, तो सेकेंड बेडरूम
काफ़ी आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस आपको सेकंड बेडरूम में भी मिलने वाला है, तो काफ़ी स्पेशियस आपको ये रूम ये भी रहने वाला है आपका। और फॉल सेलिंग की बात करें तो फॉल सेलिंग जो है आप ये देख सकते हैं शानदार डिज़ाइन आपको फॉल सेलिंग पे आपको देखने को मिलेगा LED लाइट्स के साथ में। और इस तरफ हम बात करें अलमीरा की, तो सेम आपको फर्स्ट रूम की तरह इस रूम में भी आपको जो अलमीरा है वो फुल सीलिंग हाइट आपको रहने वाली है। स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस आपको ये अलमीरा में मिलने वाला है यहाँ पे। और नीचे आपका ड्रॉज आपको मिलने वाला, चाहे आप इसको शूट रैक वगैरह बना सकते हैं। और इस तरफ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल का प्रोविजन दिया गया है, मिरर आपको अवेलेबल रहेगा, ड्रॉज आपको नीचे अवेलेबल रहेंगे ताकि अपना कॉस्मेटिक की जो आपकी चीज़ें हैं आप उनको आराम से यहाँ पे इजीली प्लेस कर सकें। और इस तरफ हम बात करेंगे अपना LED पैनल की, तो LED पैनल आप देख सकते हैं एक अच्छे डिसेंट डिज़ाइन में आपको LED पैनल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और ड्रॉज का प्रोविजन भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। और इस तरफ जैसे मैंने आपको पहले दिखाया फर्स्ट रूम से भी कनेक्टिविटी है वॉशिंग एरिया की, सेकेंड रूम से भी आपकी कनेक्टिविटी वॉशिंग एरिया को रहेगी। तो ये हम चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। तो अटैच वॉशरूम आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे साइज में आपका ये जो वॉशरूम आपका रहने वाला है। नीचे आपको एंटिस के टाइल्स मिलने वाली हैं और आप टाइल हाइट देख सकते हैं यहाँ तक टाइल हाइट आपकी रहने वाली है। और बिल्कुल जो फिटिंग्स है जैसे मैंने आपको पहले बताया सारा फिटिंग्स आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, बाथ फिटिंग जो है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर में जाने से पहले मैं बात करूंगा स्टेयर्स की। तो स्टेयर्स आप ये देख सकते हैं आप स्टेयर्स आपको काफ़ी स्पेस आपको मिलने वाला है, काफ़ी खुली डुली स्टेयर्स आपको मिलने वाली हैं। और जो आप ये देख सकते हैं ग्रेनाइट मार्बल के साथ और ये स्टेनलेस स्टील ड्रिलिंग आपको यहाँ पे स्टेयर्स पे अवेलेबल रहेंगी। तो ये हम बात करते हैं अपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर में आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपको स्पेस यहाँ पे मिल जाता है बालकनी में। तो बालकनी का आप स्पेस देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस आपको बालकनी में मिल जाता है। और मैं अपने कलीग को बोलूँगा एक बार आप ये सामने दिखाएंगे आपको काफ़ी अच्छा आपको रोड आपके फ्रंट में आपकी घर के सामने आपको मिल जाता है और अच्छी एक लोकेलिटी और सराउंडिंग आप ये देख सकते हैं लोकेलिटी बहुत अच्छी है और सराउंडिंग यहाँ पे सारी फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने घर की तरफ। तो घर में जाने से पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे वेलकम वॉल की। तो आप ये वेलकम वॉल देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी लाइट्स के साथ। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मैश डोर की। तो मैश डोर जो है आपको ग्लास और मैश की कम्बिनेशन में आपको ये मैश डोर अवेलेबल रहेगा। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने घर के अंदर। तो घर के अंदर जैसे हम एंटर करते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम डोर की। तो डोर जो है 8 फिट का आपका अवेलेबल रहेगा, डिजाइनर डोर आपको मिलने वाला है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने घर के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। तो आप ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया का आप ये देख सकते हैं स्पेस, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे भी ड्राइंग डाइनिंग एरिया में भी देखने को मिल जाता है। और इधर हम बात करें वॉलपेपर की, तो वॉलपेपर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। और इस तरफ हम बात करें फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग भी एक शानदार डिज़ाइन में खूबसूरत डिज़ाइन में आपको अवेलेबल रहेगी विद LED लाइट्स के साथ। और इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें फ्रेम मिल जाता है, तो यहाँ पे ग्लास का प्रोविजन किया गया, मैश विंडो आपको मिल जाती है ताकि आपका वेंटिलेशन और आपका सनलाइट घर के अंदर प्रॉपर बनी रहे। और इसके साथ ही हम बात करें यहाँ पे LED पैनल की, तो LED पैनल आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरा ही आपका जो वॉल को कवर किया गया है एक अच्छे डिज़ाइन में LED पैनल आपको मिल जाता है यहाँ पे। आपको ये देखिए अच्छे बॉक्सेस आपको ये नज़र आते हैं यहाँ पे, तो इसमें लाइट्स का प्रोविजन भी आपको दिया गया है और इसका काफ़ी अच्छा ग्रेस आता हुआ इन लाइट्स की वजह से भी। और नीचे आपको ड्रॉज का प्रोविजन भी आपको दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा एक LED पैनल आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ड्राइंग डाइनिंग एरिया के साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पे ओपन मॉडलर किचन की। तो सेम जैसा आपका नीचे
आपका आपको दिखाई दिया आपको 2 BHK, वैसे ही सेम डिज़ाइन में सेम कंसेप्ट में 2 BHK आपको ऊपर भी मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको पार्टीशन देखने को मिल जाती है किचन में, यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग एरिया और किचन के बीच में पार्टीशन, यहाँ पे भी एक डिज़ाइनर पार्टीशन आपको देखने को मिल जाती है जो कि इसको और अट्रैक्टिव बनाते हुए किचन को। और अगर हम बात करें अंदर यहाँ पे किचन में, तो यहाँ पे आपको कैबिनेट्स जो है वो मिल जाते हैं, तो स्पेस काफ़ी यहाँ पे भी आपको कैबिनेट्स में आपको मिलने वाला है। ड्रॉज की बात करें तो ड्रॉज भी आपको यहाँ पे आप ये देख सकते हैं स्मूथ फंक्शन के साथ आपको यहाँ पे जो ड्रॉज हैं वो भी मिलने वाले हैं। तो स्पेस की कोई आपको कमी नहीं रहने वाली यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा जो है प्रोविजन यहाँ पे मिल जाता है थ्रू ड्रॉज आपको आपके किचन का सामान रखने के लिए। और इस तरफ हम बात करें यहाँ पे सिंक की, तो नॉइस फ्री सिंक यहाँ पे भी आपको मिलने वाली है। फिटिंग्स जैसे मैंने आपको पहले बताया पूरे घर में आपको सेरा की फिटिंग्स रहने वाली है, और यहाँ पे भी एक आपको फ्रेम प्रोविजन किया गया है ताकि यहाँ पे भी किचन में भी अपना सनलाइट और आपका जो मैश विंडो है अपना वेंटिलेशन प्रॉपर आपका बना रहे। और इस तरफ आपको चिमनी का प्रोविजन आप कर सकते हैं, स्पेस आपको दिया गया है, इंटा का आपको अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप चिमनी अपना लगा सकते हैं। और इस तरह मैं बात करूँ फॉल सीलिंग, एक सिंपल सी डिसेंट सी फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे भी किचन में भी देखने को मिल जाती है। तो आइए हम बात करते हैं इसी के साथ अपने बेडरूम की। तो दोस्तों अब हम अपने फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम में, तो बेडरूम का आप साइज़ देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट साइज़ आपको बेडरूम में देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे वॉल की, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका वॉलपेपर तो मिल ही जाता है आपको, साथ में यहाँ पे आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं जो आपका जो फॉल सीलिंग के साथ का डिज़ाइन आपको यहाँ पे बिल्कुल वॉल के साथ कनेक्टेड यहाँ पे मिल जाता है। तो एक अच्छे फॉल सीलिंग डिज़ाइन के साथ आपको ये बिल्कुल जो मैं कहूँगा कि वॉल का बैक भी आपको मिल जाता है डिज़ाइनर बैक, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। और इस तरफ हम बात करें यहाँ पे अलमीरा की, तो अलमीरा जो है आपको फुल साइज जो है अलमीरा आपकी सीलिंग हाइट रहने वाली है। और अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो आप ये स्पेस देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे अलमीरा में मिल जाता है। इसी के साथ अलमीरा के साथ ही हमें प्रोविजन यहाँ मिल जाता है ड्रेसिंग टेबल का, यहाँ पे आपका मिरर्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं और ड्रॉज यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, तो काफ़ी अच्छे स्पेस में आपको ये इसका भी प्रोविजन यहाँ पे मिलता है ड्रेसिंग टेबल का। और इस तरफ हम बात करेंगे अपने LED पैनल की, तो LED पैनल एक डिसेंट से डिज़ाइन में हमें यहाँ पे LED पैनल मिल जाता है, नीचे ड्रॉज का प्रोविजन भी आपको अवेलेबल है। और इसके साथ हम बात करें अटैच वॉशरूम की, तो अटैच वॉशरूम आप ये देख सकते हैं स्पेस। और इधर मैं टाइल्स की बात करूं तो टाइल्स जो है इस हाइट तक आपको मिल जाती है, और जो बाथ फिटिंग्स है सारी की सारी वो आपकी सेरा बाथ फिटिंग रहने वाली है। और नीचे आपको ये देख सकते हैं एंटीज की टाइल्स आपको फ्लोर पे मिल जाती है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने पीछे वॉशिंग एरिया की तरफ, तो ये आप देख सकते हैं वॉशिंग एरिया जो है हमें मिल जाता है यहाँ पे इस साइज में। और सेम ऐसा जैसे कि नीचे आपने देखा दोनों रूम से कनेक्टेड ये वॉशिंग एरिया भी आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने सेकंड रूम की तरफ, तो सेकंड रूम में आप ये देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है सेकंड रूम में, तो काफ़ी डिसेंट साइज आपको मिल जाता है रूम में। एक आपका जो बेड लगने के बाद भी मूवमेंट के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। और इसी के साथ हम बात करें फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग आप ये देख सकते हैं एक शानदार लुक में शानदार डिज़ाइन में आपको फॉल सीलिंग यहाँ पे मिल जाता है। और इसी के साथ हम बात करेंगे अपने अलमीरा की, तो अलमीरा जो है आपको फुल सीलिंग हाइट अलमीरा मिल जाती है। और बात करें स्पेस की, तो स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे अलमीरा में मिल जाता है। और नीचे ड्रॉज भी आपको अवेलेबल यहाँ पे
रहते हैं। और यहाँ पे भी आपको ड्रेसिंग टेबल का प्रोविजन यहाँ पे भी दिया गया है, मिरर्स अवेलेबल रहेगा, आपको ड्रॉज अवेलेबल रहेंगे ताकि कॉस्मेटिक की जो चीज़ें हैं अपनी यहाँ पे आप अच्छे से प्लेस कर सकें। और इधर भी बात करें तो इधर आपको जो LED पैनल का प्रोविजन यहाँ पे भी दिया गया है। और इसी के साथ हम बात करें, जैसे कि मैंने पहले दिखाया आपको, वॉशिंग एरिया के लिए आपको इस रूम से भी कनेक्टिविटी मिल जाती है, दूसरे रूम से मिल जाती है। और इधर हम बात करें अपने अटैच वॉशरूम की, तो अटैच वॉशरूम आप ये देख सकते हैं, सीलिंग हाइट यहाँ तक जाने वाली है, बाथ फिटिंग सारी सियरा की मिलने वाली है आपकी, और नीचे आपको NDCF टाइल्स भी अवेलेबल रहेंगी। तो आइए हम चलते हैं अपने छत की तरफ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं एक इंडिपेंडेंट हाउस में, एक डुप्लेक्स में अपना, जहाँ पे जमीन भी अपनी अपनी होती है, छत भी अपनी होती है, तो आइए हम लिए चलते हैं आपको छत पे भी। तो छत पे जाने से पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे स्टेयर्स की। तो स्टेयर्स आप ये देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस आपकी स्टेयर्स रहने वाली हैं, ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल के साथ, रेलिंग आपको स्टेनलेस स्टील की मिलने वाली है। तो अब हम अपने छत पे, तो अभी ये छत का स्पेस आप ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको छत पे भी मिल जाता है, तो काफ़ी स्पेशियस आपको ये छत मिल जाती है। ये था आज का वीडियो, जो कि एक इंडिपेंडेंट हाउस के ऊपर, एक शानदार घर के ऊपर, जिसका साइज़ मैंने आपको बताया 150 गज का इसका साइज़ रहने वाला है, डायमेंशंस बहुत बढ़िया है इसकी, एलिवेशन बहुत शानदार। तो मैं अपने व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारे व्यूअर्स इस साइज़ में इंडिपेंडेंट हाउस देख रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे एक बार वो विज़िट ज़रूर करें इस घर को, बिल्कुल उनको ये डेफिनेटली पसंद आने वाला है। जो बिल्डर का यहाँ पे इसका जो प्राइस है, जो डिमांड है, आस्किंग प्राइस है, वो इसका जो है 85 लाख है, 85 लाख इसका जो है आस्किंग प्राइस है, डिमांड है। तो बिल्कुल 150 गज साइज़, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले। और दोस्तों, मुझे आप आज के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक नई प्रॉपर्टी पे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।